छत्रपति शिवाजी हैज ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट इन महाराष्ट्र. स्पीकिंग एट अ पब्लिक इवेंट ही सेड दैट द यंगस्टर्स नीड अ न्यू हीरो एंड दैट शिवाजी महाराज हैज बिकम एन ओल्ड आइडल. ही रेफर्ड टू बाबा साहेब अम्बेडकर एंड नितिन गडकरी एज द मॉडर्न डे हीरोज एंड हिज कमेंट्स हैव नाउ ट्रिगर्ड अ नंबर ऑफ रिएक्शंस. शिवसेना एमपी संजय राउत अक्यूज्ड हिम ऑफ इंसल्ट महाराष्ट्र एंड द फेथ ऑफ द पीपल एंड ही चैलेंज्ड बीजेपी टू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नर. मीनवाइल कांग्रेस लीडर्स सेड दैट सच कमेंट्स मस्ट बी रेगुलेटेड बाय द बीजेपी. हम जब पढ़ते थे मिडिल में हाई स्कूल में तो हमारे टीचर हमको वो देते थे हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है. तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे. तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे. शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूं, यही मिल जाएंगे. डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक, आपको यही मिल जाएंगे. महाराष्ट्र का अपमान, शिवाजी महाराज का अपमान राहुल गांधी ने वीर सावरकर के जी के बारे में जो टिप्पणी की उसके खिलाफ बीजेपी एमएनए जैसे पॉलिटिकल पार्टी बहुत जोर से आंदोलन कर रही, जूते मार रहे, जूते अबे जूते वापस जमा करो. और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो टिप्पणी राजभवन से हो रही है, अब जूते वहां जाने चाहिए, तब आप महाराष्ट्र के सुपुत हो, नहीं तो आप ढोंगी हो. बीजेपी वाले ऊट पटांग बातें करते हैं तो आप चाहते हो कि कांग्रेस जन सब उनके ऐसे वक्तव्यों पर अपनी टिप्पणी दें? ऐसी टिप्पणियों को बिल्कुल एक तरफ झाड़ू मारकर एक तरफ कर देना चाहिए. असम के मुख्यमंत्री के बारे में ये कहें और फिर महाराष्ट्र से एमपी चुनाव कराएं, मुझे लगता है कि उनको 10 वोट नहीं मिले.